साबिक खातून अव्वल का सफरे आखरत, आहो और सिस्कियों में बेगम कुलसुम नवाज सपुर्द खाक। नवाज शरीफ की अहलिया को मियाँ शरीफ की कबर के साथ दफन किया गया। कब्रिस्तान में तदफीन के दौरान सिर्फ शरीफ फैमिली के अरकान ही शरीक हुए। बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा में चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक। मौलाना फजलुरहमान, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, महमूद खान अचकजई, प्रोफेसर साजिद मीर भी मौजूद। ए एन पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एम के एम पाकिस्तान और एम के एम लंदन के वफूद भी शिरकत किए। बगैर इजाजत किसी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। सर्कल अफसरान और तफ्तीशी टीम बगैर इतला छापे नहीं मारेगी। अदालतों में चलने वाले तमाम केसेस की तफसीलात फराहम की जाएं। नए डीजी एफआईए वकार अब्बासी ने अहकामात जारी कर दिए। चेयरमैन पीएनडी की सदारत में इजलास, लाहौर में जुडिशल एकेडमी की तामीर के लिए मजीद फंड्स जारी कर दिए गए। मंसूबे के लिए 5,40,00,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए। डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटाने का मामला, हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर समाअत से मुआजरत कर ली। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। स्कूलों में तलबा की दाखिला मुहिम का मामला, दाखिलों का टारगेट पूरा ना होने का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दाखिला मुहिम में तेजी के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली मुश्किलात का शिकार, कौमी हॉकी टीम की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर सवालिया निशान लग गया। गैर मुल्की कोचेज ने भी कैंप में शिरकत को अपनी तनख्वाह की अदायगी से मशरूफ कर दिया। सेक्रेटरी औकाफ जुल्फिकार घुमन का दाता दरबार का दौरा, डीजी वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार की भी हमरा आमद, जायरीन के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और एवरेस्ट इंटरनेशनल के तहत पाक चाइना बिजनेस फोरम एक्सपो का आगाज, 300 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज के स्टॉल सज गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया, बोले पाक चीन दोस्ती को फरोग देंगे, तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करेंगे।